आप सतोष यही में जी सर लेख है हमारी लाइन जी जी ऐसे अपने बारे में का बताई कौन थी जब पूछोगे वो बताइए आप जो भी बताना चाहें बाबा जी बचपन से अब तक का बचपन जल से उत्पत्ति वाला गल्फो नहीं दे देता तो आप महाराज महाराज करवाओ जो उनका आप करवा का बचपन होता ही नहीं है पागल गया ग्रंथ कोई में लिखा है पढ़ नहीं लेती महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए अच्छा पढ़िए सरकार कहते हैं दुर्जा सो जाने के बाद फिर हम वो उस मशीन में हमारा फोटो नहीं आएगा आवाज नहीं आएगा तो ले फोटो हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार तो पढ़ लेंगे बाद में हम पढ़ लेंगे बाद में मैं पढ़ ले गया अच्छा सुना तो क्या बता कि एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी तो आपने बताया किशोरलीन किशोरलीन है किशोरलीन अवस्था है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में सुन ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है इसलिए अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब अच्छा सुन यानी अवस्था कोई हम आधार तो बताएंगे ईश्वरलीन एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते इसका क्या कारण है सुना ये ना बिनशाला है कायदा है योग में उद्यान खींचते उद्यान बंद तो उद्यान बंद होने में क्या है तो जरा इससे आसान है भी कोनो प्रश्न का तो है नहीं वस्त्र वस्त्र का अवस्था पूछा तो इस पर लीन बताया वस्त्र में देख सुंदर बिनशाला है हाँ इतनी ठंड होती है इतनी गर्मी होती है उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं मामूली की यही का पूछा था ये कोई प्रश्न है ये तो बेकार का बात आज हमें कोई पूछता नहीं अवस्था जो पूछा बता दिया ईश्वर नहीं जब और एक सृष्टि मयम बीज मेका मुद्रा से खेचरी एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय खेचरी मुद्रा होता है वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है इससे अवस्था बच जाती है तेरी मुद्रा दर्शन कराए थे कि भाई इसकी बात वह जी भाजन चल जाए कपाल कुहर देखे जब वह हाँ वो खेतरी मुद्रा है सिर्फ खेतरी का महिमा आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं बहुत बड़े ज्ञानी अष्टांग योग सिद्ध यह लाइन तो बता दिया सब पतंजलि योग को ये अष्टांग योग सिद्ध हाँ आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है लाइन है योग है ये सुन रात चलावे सूर्य दिन चलावे छंद अश्व योगी भरपूर है लहर अमर पर सोए रात के समय में सूर्य स्वर चला और दिन में चंद्र स्वर चलावे दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहे और रात में सूर्य स्वर चलावे दहिने उठ कर नाश्ता के सूर्य स्वर कहती हूँ तो उसे शरीर में गर्म यहू को बताया नहीं देता सूर्य चंद्र चलावे का उनके का करी कुछ जान सीख ले तो अच्छा कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या ये बता नहीं देता शर्मा चले लागी नाजी जैसे आपके दाहिना नासिका है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं ये जो है इंद्रा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं तो इंद्रा और पिंगला
सूर्य और चंद्र होते हैं, बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। दिन में जैसे दिन में बाएं नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं उससे शीतलता रहता है, और रात को सूर्य नाड़ी चलावे उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जो भी लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे चंद असोजोगी भरपूर है लहे मर का सो योगी, जो भी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं उससे जो है अपना दर्शन विधिवत किए गए विधिवत कर पाए जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं नहीं जिभा पलट के कर पाए जी जी वो तो दिख अच्छा नाड़ियाँ तो जी हाँ तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए बर्फ पिघल जाए वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने छल छला जाते हैं, ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बर्फ में किया जाता है। यही बात अभी चीज बढ़िया बढ़िया अच्छा आपकी अवस्था ईश्वरलीन है इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? ना अष्टांग योग यानी ईश्वर में योगी योगी में ईश्वर बस वो है ईश्वरलीन है। क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? महामुद्रा महाबंध महादेघ खेचरी ज्ञान मूल बंधस्य बंधो जालंधराज्रवली सत्य चालनम इदम ही मुद्रा दस्तम जरा मरण नाशन भी है। अच्छा बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम जब्दम धात प्रपोषणम मनोभिलक्षम जोगम योगी भोजन माचरेत खेचरी बाबा का काफ आपका खेचरी मुद्रा है बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है जीवा को कपाल कुंवर में यहाँ ले जाया जाता है उससे वहाँ से अमृतपान होता है नार जैसा अमृत स्रव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है और उसको पान करके जोगी वर्षों वर्षों सालों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं और वो स्राव लगातार चलता रहता है जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें उस मुद्रा का? बिल्कुल आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा जैसे जीवा पलट कर दिखाया गया है आपको लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें। महाराज जी बताते हैं कि ये जोग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया बाकी गुप्त रख जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया जनता के लिए उपदेश ही काफी है इसको इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगी भाका ना ये कायदा। एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं हाथ से नहीं इसका क्या कारण है? कोनो कारण नहीं है चरण में तीर्थ है कोनो पूछे कि तो बताए दिए चरण में तीर्थ है। हाँ और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं इसका क्या कारण? अब बता दिया इसका कारण यही है कि यानी जैसे राज्य धार्मिक देश है शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते यानी शिला अग्नि और जल से चार हाथ ऊपर रहना प्रमाण दिनचर्या है भारत का कल्याण करना भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए क्या क्या होना चाहिए? जो है जीवों पर दया करता रहे और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे मनन करे क्या होना चाहिए यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है कल्याण का चिंतन हमारा एक बात और बताते हैं हमारा आशीर्वाद है भारत उन्नत पर जाएगा गो हत्या के लिए की गो हत्या पर रोक लगाया जाए उसको बंद किया जाए
जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता को कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गो हत्या हो रही है इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा, हत्या न हो, ऐसा ना होना चाहिए। बाबा जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। ऐसे कायदा विचार किया जाएगा कि जिससे दंगा न हो, प्रेम से हो जाए। ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारे बहुत से मुसलमान भक्त हैं, वो भी सहयोग देंगे। बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना, अब एक ठेका का है कि बताया जाए, अब एक आदमी तो है नहीं कि हमें कितने लाख भक्त है हमारे, तो उसमें एक बात का क्या है, संबोधन यही पर हो गया। अरे वैसे तो सुना, इसे देखो, तुम बच्चे हो समझोगे नहीं, जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करते थे, सलाम अली लखनऊ के नवाब रहे दर्शन करते थे, खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे सब दर्शन करते थे, प्रमुख प्रमुख टीम है सब दर्शन करते हैं। क्या समझे जी, कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते हैं ना। अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना, तो कतार के राजदूत यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, तो जो है ही है यानी दिल्ली में, वो तो दर्शन कर गए। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रताप तो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। तब राजीव गांधी भी आते रहे? राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है, उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई, ये कर का ठेका ले अभाव, कितने और राष्ट्रपति सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते, मोती जवाहर सब हमारे प्यारे आते। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? बताबल जाए अखबार में छापा। सुना, अरे आते हैं, भारत है यानी भारत का, तो भारतीय लोग जो हैं वो हमारे दर्शन में अभ्य करेंगे। हाँ, कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में, तब आपने उन्हें आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो आके दर्शन कर जाएं, कुछ कहना है, और वो नहीं आई थी और फिर चुनाव हार गई थी, क्या ये बात सही है? अरे सुनाई कुल नहीं जा रहे।